हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है, देन उसका कॉन्टूर इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी विद रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, कब? अंडर द कंडीशन दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड is continuous within and on all the points over the closed curve C. तो अब इसी पे वेज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस लेक्चर में. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, अगर आप समझ गए तो किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम. ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, वेरीफाई कॉची थ्योरम बाई इंटीग्रेटिंग ई टू बार आई जेड. इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ई टू बार आई जेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस. क्या वर्टिसेस गिवन है? तीन वर्टिसेस होती हैं ट्राइंगल की. पहला गिवन है 1 + i, यानी 1, 1. रियल एक्सिस पे जब प्लॉट करेंगे तो रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आई के का कॉफिशेंट, यानी वो भी 1 है. तो 1, 1, यानी ये हो गया हमारा एक पॉइंट. ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया 1, 1. दूसरा पॉइंट है -1 + i, यानी -1 रियल पार्ट और 1 इमेजिनरी पार्ट, -1, 1. ये हो गया दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट है, तीसरा वर्टिस है -1 - i, यानी -1, -1. ये पॉइंट हो जाएगा -1, -1. ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा. ये तीन वर्टिस आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी. और इस जब डायरेक्शन नहीं गिवन होती तो हम हमेशा बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉक ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा C1 लाइन, लाइंस को नाम दे रही हूँ मैं. ठीक है, ए बी लाइन को नाम दे रहे हैं C2, और ये हो जाएगा C3. ठीक है, आपको बोला गया वेरीफाई. देखो, जब भी आप थ्योरम पढ़ते हो या तो आप उसे यूज़ करते हो जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, या फिर वेरीफाई करते हो. वेरीफाई का मतलब क्या है कि ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं उस क्लोज कर्व पे, इसके अलावा क्या होता है, एनालिटिक है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है. ये जो क्लोज कर्व गिवन है इसके अंदर और इसके ऊपर, अगर उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं एट एवरी पॉइंट विद इन द रीजन एंड ऑन द रीजन, और ये फंक्शन एनालिटिक है विद इन द रीजन और ऑन द रीजन, तो हम कहते हैं कि इसका इंटीग्रल ज़ीरो होगा. तो वेरीफाई करने का मतलब है कि इस बार हमें यूज़ नहीं करना है थ्योरम को, हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं इस क्लोज रीजन की सारी बाउंड्रीज लूँ, बाउंड्री गिवन है ना, सारी बाउंड्रीज लूँ, यानी C1, C2 और C3, तो अगर मैं e2 i z को इंटीग्रेट करूँ ओवर C1, देन ओवर C2 एंड देन ओवर C3, और इनका अगर मैं सम लूँ तीनों बाउंड्री का, तो वो ज़ीरो आना चाहिए. इसका ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें प्रूव करना है. तो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अब तीनों e2 i z हमारा एफ ऑफ जेड हो गया है. तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है ओवर द क्लोज कर्व किसका, e2 i z का विद रिस्पेक्ट टू जेड. और ये हमें प्रूव करना है कि ये ज़ीरो आ रहा है. अभी तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, हमें नहीं पता क्या आ रहा है. तो जो क्लोज कर्व है ये पूरा सी है. ठीक है, इसको हमने तीन पार्ट्स में बाउंड्री के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स में. पहला पार्ट है C1, देन C2, देन C3. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अलोंग C1. अब आप C1 को देखो, C1 का क्या पार्ट है ये देखो जी. यहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वल है. यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम C टू A, यानी व्हेन वी मूव अलोंग C1,
तो योर वाई इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ऑब्वियसली व्हेन वाई इक्वल्स टू एक्स दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। और इसमें देखो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो या तो हमें एक्स की टर्म्स में करना है या वाई की टर्म्स में करना है। इस केस में हमने वाई को एक्सप्रेस करा है एक्स की टर्म्स में और डी वाई को डी एक्स की टर्म्स में। तो एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन है और यहाँ पे वन है, तो डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू वन। और डी जेड भी लिख लो, डी जेड कितना आएगा, डी जेड क्या होता है, डी एक्स प्लस आई डी वाई, ये हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, ठीक है। डी जेड क्या होगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, क्योंकि जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई कॉन्स्टेंट है डी वाई, ठीक है। तो इस केस में डी वाई किसके इक्वल है, डी एक्स के, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, डी एक्स प्लस आई डी एक्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी जेड इक्वल टू, डी एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस आयोटा डी एक्स। अब हम ये सारी डाल देंगे वैल्यू इसमें, इंटीग्रल ओवर सी वन, क्लोज वाला नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ हम सी वन के ऊपर इंटीग्रल कर रहे हैं, ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, ये कर्व है। कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ बाउंडेड कर्व, इट कैन बी कर्ली कर्व। तो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन है हमारा कर्व सी वन, तो क्लोज सरफेस नहीं है, इसलिए मैंने कंटूर का साइन नहीं बनाया। ई टू पावर आई जेड डी जेड, अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एक्स की टर्म्स में। तो लिमिट्स क्या है एक्स की, माइनस वन से वन, ठीक है। ई टू पावर आई जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक ठीक है। और डी जेड की जगह क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा डी एक्स। इधर वाई की जगह हमें क्या डालना है, एक्स, है ना, वाई की जगह क्या डालना है, वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा बाहर ले लो, ये बाहर आ जाएगा, माइनस वन से वन, ई टू पार आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, सॉरी वाई की जगह भी एक्स, ठीक है, डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी वन ई टू पार आई जेड डी जेड इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा बाहर है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, आई इंटू वन प्लस आई। मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, अदरवाइज आई कैन स्किप दैट स्टेप और मैं डायरेक्टली लिख सकती थी। ये कितना हो जाएगा, आई इंटू वन आई, आई इंटू आई आई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर आई प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज नथिंग बट वन, तो माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस आयोटा बाहर, ई टू पावर, ये कांस्टेंट हो गया आई माइनस वन, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स यानी एज इट इज डिवाइडेड बाय I माइनस वन, लिमिट्स माइनस वन से वन, इसको बाहर ले आओ, I माइनस वन बाहर आ गया। इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम यूजली ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, I प्लस वन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और I प्लस वन से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, और अंदर क्या आएगा, ये चीज़ तो बाहर आ गई, अंदर क्या आएगा, जब वन डालोगे तो ई टू पार आई माइनस वन, और जब आप लोअर लिमिट डालोगे माइनस वन, तो ये हो जाएगा ई टू पार माइनस वन आ जाएगा इसकी जगह, तो वन माइनस एट, ठीक। अब ये देखो क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, तो वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर करो ज़रा, तो वन ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी,
ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इधर ये एज इट इज़ ई टू पावर आई माइनस वन माइनस ई टू पावर वन माइनस आई, ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन, ठीक है, ऊपर बचेगा टू आई, और नीचे क्या है आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, टू टू कैंसिल, ई टू पावर आई माइनस वन माइनस ई टू पावर वन माइनस आई। इस माइनस को अंदर ले जाओ, आई को बाहर रहने दो, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ई टू पावर वन माइनस आई माइनस ई टू पावर आई माइनस वन, इसको मार्क कर दो वन। ये हमारा पहले कर्व की वैल्यू आ गई सी वन की, इधर में सी वन आएगा, ठीक है, सी वन की वैल्यू आ गई, डेट इज इसको मार्क कर दिया वन, इसको हम यूज़ करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे अलॉन्ग सी टू। सी टू को भी देख लो एक बार, इधर देखो सी टू कितना है, सी टू कितना है, अब सी टू में देखो, इट इज़ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई विल रिमेन सेम। इधर देखो वाई भी यहाँ पे भी वन है, यहाँ वाई यहाँ पे भी वन है, तो वाई इक्वल्स टू वन। अब y इक्वल्स टू वन तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड को, तो dy वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इस केस में y कांस्टेंट है, ज़ीरो नहीं है, y कांस्टेंट है बट dy वाई ज़ीरो है। तो देखो डायरेक्शन क्या है, जब हम मूव कर रहे हैं अलोंग सी टू, सी टू की डायरेक्शन क्या है, a से b, एरो देखो इस डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, वन से माइनस वन, तो x की वैल्यू हो गई वन टू माइनस वन, ठीक है। अब और क्या क्या आ सकता है, डी जेड, डी जेड हमें पता है क्या है, डी एक्स प्लस आई डी वाई, इस केस में डी वाई इज ज़ीरो, तो डी जेड कितना हो जाएगा फॉर दिस केस ओनली डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इंटीग्रल में डाल देंगे, जैसे पहले हमने सी वन के लिए डाली थी, इंटीग्रल अब हम जो निकालेंगे अलॉन्ग सी टू वो क्या आ जाएगा, सी टू ई टू बार आई जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या लिमिट थी एक्स की, एक्स की लिमिट्स क्या है, वन टू माइनस वन, तो वो हम यहाँ डाल देंगे वन से माइनस वन, ई टू पावर आई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई वो डाल दिया, और डी जेड की वैल्यू इस केस में कितनी रहेगी, डी वाई ज़ीरो था तो सिर्फ रहेगी डी एक्स, तो डाल देंगे डी एक्स। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ताकि ईजिली आपके पास आंसर आ जाए, ई टू बार वाई की जगह क्या डालना है हमें, ज़ीरो नहीं है, वाई की जगह वन, तो वाई की जगह वन डालेंगे, क्या आ जाएगा आई एक्स प्लस आयोटा, वाई की जगह वन तो कितना बचा, आयोटा इंटू वन आयोटा, डी एक्स का डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन से माइनस वन ई टू बार आई एक्स, और ये बन जाएगा ई टू बार आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना है माइनस वन, तो ई टू बार माइनस वन डी एक्स, ई टू बार माइनस वन बाहर ले गए, इसको इंटीग्रेट करो सिर्फ इसको, तो ई टू बार आई एक्स का इंटीग्रेशन ई टू बार आई एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट आयोटा लिमिट्स वन से माइनस वन, सिंपल इंटीग्रेशन है, वैल्यू डाल दो, ई टू बार माइनस वन बाहर आयोटा बाहर, एक बार माइनस वन डालेंगे, अपर लिमिट माइनस वन है, इसमें वन नहीं है, उल्टा मत कर देना, तो अपर लिमिट माइनस वन है, तो ई टू बार माइनस आयोटा आ जाएगा, और जब वन डालेंगे तो ई टू पार आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर से क्योंकि आयोटा हमने प्रीवियस वाले इंटीग्रल में भी हटा दिया था, आप चाहो तो नहीं हटाना, तो सी सी में से नहीं हटाना, नहीं तो सब में से हटा दो, तो हम अभी भी हटा देंगे ई टू पार आई जेड डी जेड, तो हमारे पास कितना है, ये आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से और डिवाइड कर दो आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आयोटा इंटू ई टू पार माइनस वन, और नीचे आ जाएगा माइनस वन ई टू पार माइनस आयोटा माइनस ई टू पार आयोटा, देखो ये आयोटा यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन हो गया, और ये एज इट इज़ मैंने लिखा, ठीक है। अब आप इतना कर सकते हो
कि इस ई टू पावर माइनस वन को आयोटा बाहर रहने दो चाहे, ठीक है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब बाद में हम ऐड करेंगे तो वो इजीली सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो इसको अंदर ले जाओ, अभी नहीं ले जाना चाहते बाद में भी ले जा सकते हो, बट अभी ले जाओगे तो मैं लिख रही हूँ माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा ई टू बार आयोटा, और ये बेस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस आर एडेड माइनस वन, ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ई टू पावर माइनस आयोटा ऑलरेडी था और ये भी इसमें ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करके तो माइनस वन, इसको नाम दे दो टू। तो ये हमारा इंटीग्रल है ओवर सी टू ई टू पावर आई जेड डी जेड, ठीक है। अब अलोंग तीसरी बाउंड्री सी थ्री, सी थ्री को भी हम चेक कर लेते हैं। जरा देखो इधर सी थ्री के अलोंग मूव करेंगे यानी बी से सी की तरफ जाएंगे, तो ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कौन कांस्टेंट हुआ, एक्स। देखो एक्स यहाँ पे भी माइनस वन है, एक्स यहाँ पे भी माइनस वन है, तो दिस टाइम एक्स इज कांस्टेंट दैट इज माइनस वन। जब एक्स माइनस वन है डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो, माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, ठीक है। वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस वन है, तो y वेरीज फ्रॉम 1 टू माइनस वन, ये इसकी लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट, 1 से माइनस वन पे जा रहा है, 1 से माइनस वन पे, तो ये लोअर ये अपर। अब क्या बचा, dz, dz कितना होता है dx एक्स प्लस आई डी वाई, इस केस में dx एक्स ज़ीरो है तो dz कितना आएगा, सिर्फ आई डी वाई, इज इट क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज हम जैसे पहले C1 C2 में डाली थी इंटीग्रल में, क्या था हमारा इंटीग्रल ओवर C3 e टू पावर आई जेड डी जेड, इसी तरीके से इस इंटीग्रल में भी डालेंगे। पहले लिमिट देखो किसकी आ रही है, 1 से माइनस वन, किसकी, y की, डाल दी e टू पावर आई जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा y, डाल दिया, ठीक है। डी जेड कितना है, आई डी वाई, ये रहा dz की जगह i dy डाल दिया, i बाहर ले जाओ फिलहाल कांस्टेंट है, ठीक है। x की जगह क्या आएगा, माइनस वन, तो x की जगह हमें माइनस वन डालना है, इंटीग्रल वही रहेगा 1 से माइनस वन e टू पावर i माइनस वन प्लस आयोटा y और इधर dy, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आयोटा बाहर रहेगा 1 से माइनस वन ई टू पावर माइनस आयोटा और इधर क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और अगेन आयोटा स्क्वायर, वी नो डैट इट इज़ माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई। अब आप चाहो तो ई टू पावर माइनस आई को अंदर रहने दो, आप चाहो तो इसको बाहर ले जाओ ई टू पावर माइनस आई को, अंदर क्या बचेगा 1 से माइनस वन ई टू पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप है इसके इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल ओवर सी थ्री ई टू पावर आई जेड डी जेड इक्वल्स टू कितना आएगा, आई ई टू पावर माइनस आई, ये बाहर है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल ई टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशियंट माइनस वन, लिमिट्स 1 से माइनस वन, तो एक बार माइनस वन डाल, एक बार माइनस वन डालो तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है ई टू पावर माइनस वन, ठीक है। एक बार वन डालोगे लोअर लिमिट, तो एक माइनस ये है और एक लोअर लिमिट का, तो ये हो जाएगा प्लस ई टू पावर, वेट वेट, माइनस वन डालोगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन आएगा, ठीक है। जब आपने माइनस वन डाला तो एक माइनस ये था, वाई की जगह माइनस वन डालोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, फाइन, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बाहर रहने दो चाहे, ई इसको अंदर ले जाओ, क्या आ जाएगा, ये प्लस का है ई टू पावर माइनस वन और ये माइनस आयोटा, ये माइनस है ई टू पावर वन ऑलरेडी है माइनस आयोटा, इसको नाम दे दो थ्री, ठीक है। जब हमें ये इंटीग्रल चाहिए
ओवर सी ई टू पावर आई जेड डी जेड, तो ये किस किस का सम होगा, इंटीग्रल ओवर सी वन वेट प्लस इंटीग्रल ओवर सी टू प्लस इंटीग्रल ओवर सी थ्री। ठीक है, अब तीनों से जो हमें वैल्यूज मिली हैं मैं अगले पेज पे कर रही हूँ, वो हम ऐड कर देंगे। ये निकालने के लिए हम तीनों से मिली हुई वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। मैं तीनों से मिली हुई वैल्यू इकट्ठे करते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या मिली थी आई, अब मैं आई से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, ई टू पावर वन माइनस आई ई टू पावर आई माइनस वन। ठीक है, सेकंड हमें मिली थी ये रही, सेकेंड वैल्यू ये रही, इधर भी मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ आई ई टू पावर आई माइनस वन माइनस आई ई टू पावर माइनस आई माइनस वन। और अब थर्ड वैल्यू ये, इधर भी आई था, चाहते तो हम आई पूरा कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आई से मल्टीप्लाई कर करके लिख देते हैं आई ई टू पावर माइनस वन माइनस आई ई टू पावर वन माइनस आई। ये हमारा तीनों का सम आ गया। देखें कुछ कैंसिल वैंसल हो रहा है, आई ई टू पावर वन माइनस आई, वन माइनस आई और कहीं है, ये रहा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आई माइनस वन कहीं और है, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और इसी तरीके से ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर इज ज़ीरो। हेंस प्रूव्ड, यही वेरीफाई करना था कि कंटूर इंटीग्रल यानी इंटीग्रल ओवर कर्व सरफेस अगर ये एनालिटिक है और ये एनालिटिक है तो हमें प्रूफ करना था ये इंटीग्रल ज़ीरो आएगा। यानी हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं भी यूज़ करते तो भी तीनों इंटीग्रल का सम जब हम बाउंड्री पे लेते तो वो ज़ीरो आ रहा है, और अगर हम डायरेक्टली थ्योरम यूज़ करते तब भी ज़ीरो आता। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इधर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इवेल्युएट द इंटीग्रल ई टू पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस नाइन डी जेड, और यहाँ पे क्लोज सरफेस क्या है, मॉडुलस ऑफ टू। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये देखना है एफ ऑफ जेड कितना है, ई टू पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस नाइन। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना, ई टू पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस, ये तो एनालिटिक है बट ये पूरे का पूरा एनालिटिक होगा सब पे एक्सेप्ट इसके पोल्स क्या हैं, पोल्स को हम सिंगुलैरिटीज भी बोलते हैं, पोल्स क्या हैं, जेड स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो यानी z इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री। ठीक है, तो इसके दो पोल्स हैं, z इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री, यानी ये फंक्शन पूरा फंक्शन हर पॉइंट पे एनालिटिक है एक्सेप्ट एट दीज टू पॉइंट्स, यानी प्लस थ्री पे भी ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है और माइनस थ्री पे भी ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, एक्सेप्ट इन दो पॉइंट्स के अलावा ये सब पे एनालिटिक है। अब आप देखोगे ये रीजन जो है मॉडुलस ऑफ ये है, ये रीजन कौन सा हुआ, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हुए, थ्री कॉमा ज़ीरो एंड माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो, ये इस रीजन के बाहर, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू टू का मतलब क्या हुआ, वो रीजन जो सर्कल में आता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू टू, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, यानी
सर्कल विद रेडियस 2, ये हो गया आपका 2,0। रफली बना रही हूँ, ये बिना बनाए भी चल जाएगा, ये -2,0। तो अगर ये पॉइंट्स आप देखो जेड, इसके ये पोल्स हैं, इसको हम बोलते हैं पोल्स या सिंगुलरिटीज। जो ये पोल्स हैं ये इस रीजन के बाहर लाए कर रहे हैं। आप देखो क्या हैं पोल्स, +3 का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, दो लाइन में आंसर आ जाएगा इसका अदरवाइज, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3,0 एंड -3,0, ये दो पोल्स हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इस रीजन के बाहर लाए करते हैं। अगर मैं 3,0 ढूंढूं तो वो यहाँ आएगा, अगर -3,0 ढूंढूं तो यहाँ आएगा। तो दीज टू पॉइंट लाइज आउटसाइड द क्लोज कर्व। तो आउटसाइड द क्लोज कर्व पे अगर वो एनालिटिक नहीं है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा पॉइंट क्या था कॉची इंटीग्रल थ्योरम का, कि एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड विद इन और ऑन द कर्व। तो आप इधर यही लिखोगे, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इन क्लोज कर्व मॉड जेड इक्वल्स टू 2। एंड ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बना रहा है। एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन द कर्व। कौन सा कर्व, ये क्लोज कर्व। देयरफॉर therefore integral over this c e to power z z square plus 9 dz equals, so we can write therefore integral over closed curve c e to power z z square minus 9 dz equals to 0 using Cauchy integral theorem. That's all for today. ये दो चीज़ें लिखना ज़रूरी है, एफ जेड इज़ एनालिटिक और ये कंटिन्यूस, बस ये दो रीज़न आर सफिशेंट। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि जो पोल्स हैं वो इनसाइड द रीजन नहीं है या ऑन द रीजन नहीं है, डैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व मैनी एग्जाम्पल्स। डैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ प्लीज़ आस्क एनी डाउट्स यू हैव इन कमेंट सेक्शन। डैट्स ऑल फॉर टुडे।